आसमा मेरे साथ है तो ये आसमा का बैग मैंने उठाया और अभी बहुत महंगा हो जाना है काम, क्योंकि जब उन लोगों को पता चलता है ना कि ये मुसाफिर हैं या किसी और कंट्री से आए हुए हैं, तब ये 20 वाली जो चीज़ है 50 की लगाते हैं, और हम भी जाने वाले हैं इन बेड़ों पे बैठ के, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और पता नहीं कौन से बेड़े में हमने बैठ के जाना है, 2 लाख टिकट का कह रहे हैं भाई, काफ़ी हैवी अमाउंट है। अस्सलामु अलैकुम, वी आर बैक इन अदर व्लॉग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली दोबारा फिर हमने उठा लिए हैं बैग्स वगैरह, और अभी आप लोगों को सामने वो एक एसलैंड है जी, इसका नेम तो कंफर्म पता नहीं ये नेम क्या है, लेकिन भाई उन लोगों ने हमें बताया है, भाई के मोबाइल में है, दीमे के मोबाइल में, मैं और दीमा वहाँ जाने वाले हैं वो इसलैंड पे, वहाँ से ना कश्ती वश्ती होती है तो उसकी ना वहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, तो अभी हम टिकट बाय करते हैं और जैसे ही हमें टिकट मिलती है तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ का सैर करवाने वाले और वहाँ पर चलते हैं, वहाँ से हम बाय करते हैं 1 या 2 टिकटें, फिर आगे वाला सीन शुरू होगा जी। अभी तो फिल वक्त हम टिकटें बाय करने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह आप लोगों को। मैं कहता हूँ कि ना लेवल का सीन होना है, पहली दफ़ा मैं ना बेड़े में सफ़र करने वाला हूँ, वो वाला बेड़ा नहीं जो दरिया में बांस लगा के धकेला जाता है, ये वो बड़ा वाला बेड़ा है जो भागता है स्पीड में, भाई मज़ा आने वाला है। तो अभी चलते हैं जी उधर, वहाँ से टिकट लेते हैं और फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं टिकट कितने की मिलती है। अब धर्म खरूज, ये भैया ये सीन है सामने, आप देख सकते हैं ये अंदर वाला सीन है जी इनका, और वो सामने मेरा ख्याल हाल है जहाँ से टिकटें मिलती हैं। सालम जान, अभी हम अंदर दाखिल हो गए और देखते हैं जी कहाँ से टिकटें मिलती हैं और कितने की मिलती हैं, और भी जाने वाले पैसेंजर हैं या हम ही हैं। टिकट स्टेशन जिस पे सालम काशिम, सालम हाल काशिम, सालन का मतलब होता है हाल, वो खाने वाला ना समझ लेना। सो भाई साहब ये सीन है जी, यहाँ पर देखिएगा बेड़े खड़े हुए हैं यहाँ पर, बड़े बड़े छोटे छोटे और छोटी छोटी बेड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, काफ़ी खूबसूरत सीन है। मैं आगे जाके अभी आप लोगों को दिखाता हूँ जी, और हम भी जाने वाले हैं इन बेड़ों पर बैठ के, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और पता नहीं कौन से बेड़े में हमने बैठ के जाना है, 2 लाख टिकट का कह रहे हैं भाई, काफ़ी हैवी अमाउंट है, वो पता नहीं कौन कौन से साइड पे लेके जाती है। ये 6 नंबर और बेड़ियाँ देखे यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये वो वाला स्टार्ट होके खड़ा है संदबाद, वो देखिए जा रही है जी पब्लिक जा रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, वो देखिए वो अभी उसमें सवारियाँ हो रही हैं जी इंटर, और उसके बाद उसने मेरे ख्याल में चला जाना है। हमारे वाला पता नहीं कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत लेवल का सीन है भाई। अभी एक दफ़ा मैं वापस जाता हूँ, क्योंकि हमें अभी हमने टिकटें बाय नहीं की, जब टिकटें बाय करेंगे तो फिर इसके अंदर जाने की इजाज़त होगी मेरे ख्याल में। टिकटें यार बहुत महंगी बता रहे हैं, 2 लाख की बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उधर भी काफ़ी महंगा हो जाना काम, यहाँ पर तो अभी सस्ता है ना, मतलब कि 2 लाख में ये टिकटें ले रहे हैं, लेकिन उधर कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो जाना है काम, क्योंकि जब उन लोगों को पता चलता है ना कि ये मुसाफिर हैं या किसी और कंट्री से आए हुए हैं, तब ये 20 वाली जो चीज़ है 50 की लगाते हैं, 50 वाली जो चीज़ है 2 लाख की लगाते हैं। ये देखिए मछलियाँ पकड़ने के लिए वो जाल भी छोटा सा पड़ा हुआ है। भाई बेड़ों का लेवल का सीन है, अभी ये तो बंद ही खड़े हैं ना, चार्जिंग चूर्जिंग हो रहे हैं कि पता नहीं क्या मसला है। भाई कमाल की चीज़ है, ऊपर एसी भी लगा हुआ है इसके, मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ भाई इतने इतने बड़े बेड़े, वो भी अपनी आंखों से फिल्मों में देखे हुए हैं, वैसे तो हमने नहीं देखे। ये समंदर है भाई, समंदर के किनारे में उन लोगों ने बीच बनाए हैं, बीच के अंदर से उन लोगों ने ये अपने अपनी कश्तियाँ रखी हुई हैं जी यहाँ पे। ये देखिए भाई उधर खड़े हुए हैं जो उनके पायलट होते हैं, ऊपर झंडे भी लगे हुए हैं, आइए आस्ता आस्ता हिल रहा है भाई, ऊपर एसी लगे हुए हैं, और उसमें मेरा ख्याल है हफाजती जो तदाबीर होती है ना, वो हफाजती सामान जो उससे हैं वो भी इनके अंदर मौजूद हैं। मुझे तो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, पर अभी चलते हैं वापस, तो दोस्त से मशवरा करता हूँ भाई क्या क्या सीन होने वाला है, अगर
टिकटें लेनी है कि नहीं लेनी, क्योंकि ये देख के मज़ा आ रहा है और पहली दफ़ा जब हमने जाना है ना तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। जब बंदा पहली दफ़ा किसी चीज़ में बैठ के जाता है ना तो वो सीन होता है देखने वाला। और आज बादल भी काफ़ी हुए हैं, बारिश तो नहीं हुई यहाँ पर, तो सर्दी के दिन है लेकिन यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं है, यह बंदरावास में इतनी सर्दी नहीं है, तो वैसे आल ईरान में सर्दी काफ़ी है। ये सामने वो टिकट स्टेशन है। सो जी अभी हम आए हैं, यहाँ पर कोई अमानत वाला सीन है, उधर ये जमा करवाने हैं संदूक अपने तो ये अमानत में जमा करवाते हैं, उसके बाद जाएंगे उधर। हमें ना क्यूट सी प्यारी प्यारी लड़कियां मिली हैं, वो कह रही हैं कि आप हमारे साथ चले, वो कह रही नहीं, हमने उसको कहा है कि आप, हम आपके साथ जाना चाहते हैं, ऐसी करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखते हैं अमानत किधर है। यार ये सामने अमानत वाला सीन है जी, यहाँ पर करवाते हैं जमा और देखते हैं कितने पैसे मांगते हैं ये बंदे भी हमसे। जी बैग भाई साहब दाखिल करवा दिए इन मैडम के पास, 60,000 दे दिए और ये भी सीन हो गया है। ओके शुक्र। अमानत में जमा करवा दिए बैग जी और 60,000 रुपया मैडम को दे दिए और वो कह रही है कि शाम को ले जाना, तो शाम को ही हटेंगे भाई, 3 बजे वापस आएंगे, तो मेरे ख्याल में ये दुआ करेंगे इधर ही हो, क्योंकि अगर यहाँ पे इधर नहीं होगी तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। पता नहीं वो फारसी में कुछ कह रही थी, इतनी समझ तो उसकी नहीं आई है, फारसी वैसे सीख लेनी चाहिए क्योंकि ईरान से अभी काफ़ी पाला पड़ने वाला है हमारा। सो जी टिकटें हमने बाय कर ली हैं, 2-2 लाख की टिकट मिली है जी, और आसमा मेरे साथ है तो ये आसमा का बैग मैंने उठाया और अभी हम जा रहे हैं बिलित। ओके ओपन दिस, लास्ट साइड, नो 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 दिस वे, ओके टेक टेक टेक। और मैंने वेट करने दे, पता नहीं किधर है। योर टिकट, यू वांट योर टिकट, यस दिस टिकट, यस ओके यू दिस, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, गेम वन, यस इट्स ऑन इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ना सकते हो। सो जी अभी हम बेड़े के अंदर जाने वाले हैं, आसमा मिली है मुझे और आसमा के साथ में जा रहा हूँ, इसकी फ्रेंड भी है तो आगे जाके इनके राह पूछते हैं। हमारी टिकट है, ये दिखाना जरा, यार मैंने टिकट किधर रख दी, तुमने इसने नहीं ली, इसने ली है मुझे लगता है, नहीं दे दी थी यार उसने। ओफो वेयर इज गॉन टिकट, ये बच्चे ना 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 ना, ओहो हो हो हो, ओके ओके सो बिगे, आई कैन फोकस ऑन यू, मैंने अंदर वाली जेब में डाल दी। यार टिकट मैंने ना अंदर वाली जेब में डाल दी, तो इसमें मुझे याद नहीं रहा, और मैडम जी काफी गर्म हो गई मुझ पे, तो अभी अंदर जा रहे हैं। ये हमारा जी है जहाज, बहरी जहाज, इसमें हमने दाखिल होना है। उसके अंदर मोटरसाइकिल किस लिए रुका हुआ है भाई साहब? सैंडबॉट